नमस्कार सभी को। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉयज लाइब्रेरी बडनपुर में, और ये लाइब्रेरी लगभग एक साल पूरा हो गया है इसको खुले हुए, और पूरे गांव के अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि ये लाइब्रेरी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के द्वारा चलाई जा रही है। कोई भी ड्यूटी है वो बच्चे अपने आप अच्छे तरीके से निभाते हैं, और एक साल के इस अंतराल में बच्चों ने कैसा महसूस किया है इस लाइब्रेरी से। बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं जो लगातार शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इस लाइब्रेरी का हिस्सा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 महीने पढ़े हैं, 1 महीना पढ़ा है, कोई 10 महीने पढ़ा है, कोई 8 महीने पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे आज हमारे सामने यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन पूरा समय इस लाइब्रेरी में बिताया है। तो आज उन्हीं के विचारों को आपसे साझा करने जा रहे हैं। अभी आप में से कोई भी एक बच्चा बैठे एक बार पूरा लाइब्रेरी का जो ये हमारा एक साल का कार्यकाल रहा है, इसमें पूरा फटाफट अगर 2-4 मिनट में आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा होगा। कोई बच्चा? हाँ भारत, बोलो बेटा। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे जब हमने लाइब्रेरी खोली तो हमारी जो लाइब्रेरी के अंदर जो कमियाँ आई थी उनको हमने कमेटी के पास कैसे पहुँचाया, और हमारे स्तर पर उन जो कमियों को कैसे उनका सोल्यूशन किया। तो हमारे पास एक तो वाईफाई की कमी थी, तो हमने ये बात बताई कमेटी मेंबर्स को वाईफाई की सोल्यूशन, वाईफाई का। यानी जब शुरुआत में लाइब्रेरी ओपन हुई थी उस टाइम लाइब्रेरी में वाईफाई की फैसिलिटी नहीं थी। ओके, आप लोगों ने ये बात रखी अपने एजुकेशन प्रमोटर कमेटी के पास? यस सर। ओके, तो उसके बाद फिर कब तक समाधान हुआ इसका? उसका 3-4 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही वाईफाई का, 1 हफ्ते के अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यानी उसके बाद आपका जो ये दिक्कत थी फ्री वाईफाई का से रिलेटेड वो क्लियर हो गई थी? हाँ, क्लियर। ओके, तो फिर दिक्कत आई थी हमारे सामने कि बच्चे मतलब फोन वगैरह यूज करते ही थे क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगवानी होती थी। ओके, तो और दूसरी बात वो बाहर जाके फोन पे बात कर लेते थे, उससे बाहर के आस पड़ोस का माहौल थोड़ा नेगेटिव ले लेते थे। और हाँ, उनको ये लगता था कि बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं बातों में और काम कम करते हैं। अगर आप 1-2 मिनट भी बच्चा बाहर खड़ा रहता है तो उसी से उसका इम्प्रेशन गलत चला जाता है। ओके, तो फिर इसके लिए क्या किया आप लोगों ने? तो हमने ये बात नोट की और जो कमेटी है उनके पास ये प्रॉब्लम पहुंचाई। ओके, तो उन्होंने जो साइड में एक स्टोर रूम था उन्होंने हमारे सोल्यूशन के तौर पर ये कहा कि इसको इसकी हम मतलब सही इसको वेल मेंटेन कर देंगे। हाँ, मैं आपकी सभी साथियों की सूचना के लिए बता दूं, मैं जो ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे ही एक गांव के एक साथी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जगह दी हुई है बॉयज़ लाइब्रेरी के लिए, और उसके साथ में जो छोटे से कमरे की बात ये बच्चे कर रहे हैं वो कमरा भी वो उन्हीं की ही देन है। उन्होंने बाद में फिर उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो फिर कैसे अब क्या कोई समाधान हुआ उस बात से? हाँ, उसका भी दो या तीन दिन में ही समाधान हो गया था। उस रूम को वेल मेंटेन करवा दिया और उसमें दरी वगैरह रखवा दी, जिसका हमें सबको ये फायदा हुआ कि मतलब जो बाहर के आने वाले बच्चे थे वो खाना खा सकते थे, और जो फोन वगैरह पे बातें करनी थी जिसको भी वो वहाँ पे बातें कर सकते थे। ओके, और बहुत सारे मतलब और भी रीजन होते हैं जो मतलब वहाँ पे कर सकते थे डिस्कशन, आप कर सकते हो किसी इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप बैठ के वहाँ आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। तो कभी ऐसा भी होता है कभी भारत वहाँ कोई ऐसी कोई शिकायत आई हुई कि वहाँ पर बच्चे के अनावश्यक रूप से बैठना शुरू कर दिया हो बच्चों ने, कुछ इस टाइप की कोई शिकायत आई हो? हाँ, ये शिकायत आई जरूर है, लेकिन हमने मतलब हमारे स्तर पर मतलब बच्चों के स्तर पर उसको मतलब सॉल्यूट कर दिया था। सॉल्यूशन कर लेते हो उसका आप लोग? जैसे कई बार आप जैसे आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी नोटिस करते होंगे आपकी घटनाओं को? हाँ, तो कई बार की है, उन्होंने हमारी बातों मतलब जो नेगेटिविटी वो देखते थे वो हमारे कमेटी मेंबर्स के पास पहुंचाते भी थे। डायरेक्ट कमेटी मेंबर्स के पास भी करते थे, आप लोगों से भी कई बार शेयर कर लेते थे? अगर मतलब एक बार तो हमारे पास हमको बता देते थे, तो अगर हम में से या फिर ऐसा भी होता है ना पास पड़ोस में कुछ ज्यादा ही, हाँ, तो वो कमेटी मेंबर्स को बता देते थे एक या दो बार, फिर वो हमसे बता कह देते थे। ठीक है। बाथरूम की भी शुरुआत में एक बार प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर बाथरूम की भी, बाथरूम की क्या दिक्कत है क्योंकि ये गांव के सेंटर में लगभग बीच में ही पड़ती है लाइब्रेरी, तो आसपास कोई खुला एरिया या कोई टॉयलेट का सिस्टम नहीं था जहां पर ये समस्या का निपटान हो सके, तो फिर उसके लिए
कोई अलग से टॉयलेट का सिस्टम बना दिया गया आप लोगों के लिए? ओके ठीक है, मतलब अब कोई समस्या नहीं है इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है। और फिर उस स्टोर रूम का हम बच्चों ने ही फायदा उठाया कि उसमें क्विज करवाने लग गए थे। अच्छा, तो आप लोगों ने क्विज शुरू करवाया वहाँ? क्विज शुरू करवाया। क्विज कैसे, क्या क्या पैटर्न, किस तरह से, क्या तरीका है आपके क्विज का? मतलब एक हफ्ते में संडे वाले दिन हम मतलब सारा एक हफ्ते के लिए टॉपिक दे देते थे और उसी टॉपिक में से क्विज बना के दो बंदों की ड्यूटी लगा देते थे कि तुम दो बंदों ने क्विज बना के लेके आना है, और टीम बना देते थे दो दो के ग्रुप में। ओके। और उनसे क्वेश्चन किए जाते थे। तो इसका कुछ फायदा हुआ बच्चों को? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला था। बहुत इंटरेस्ट लेते थे बच्चे क्विज में? हाँ, सभी बच्चे इंटरेस्ट। ऐसा तो नहीं था कुछ बीच बीच में पीछे हटते हो, बैक हो जाते हो, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता हो? ये हो तो जाता था, लेकिन फिर मतलब एक दूसरे को देखकर मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश ही करता ना बच्चा। और आप दूसरे एक दूसरे को मोटिवेट भी कर लेते थे? कोई अगर लगता था कि एक पाँव ये अपने पाँव को पीछे खींच रहा है तो उसको बार बार मोरल सपोर्ट देके, मतलब आप इंगेज रखते थे उसको? हाँ, मतलब सारे इक्वली रखते थे, सभी को इक्वल रखते थे। ओके। और एक हमारा जो छोटे बच्चे हैं मतलब उनका और भी फायदा हुआ क्योंकि हमसे भी बड़े थे। वो गाइड करने के लिए बहुत मतलब हमें मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहती है कि कोई टेस्ट निकला हुआ है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होगा, उससे बेसिक सा आइडिया आता रहता है यहाँ। ओके। फॉर्म वगैरह का भी पता लग जाता है, मतलब टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। ओके। सर्दियों में हमने तब लाइब्रेरी खोली थी 1 नवंबर को। सर्दियों में तो हो गया था, लेकिन बाद में गर्मी में ये दिक्कत आई कि बच्चे मतलब यहाँ पे क्या नाम है, गर्मी के कारण तंग हो जाते थे। हाँ, साइज जैसे लग रहा है छोटा साइज, थोड़ा कम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है गर्मियों में ज्यादा दिक्कत आई होगी। हाँ, बैठते हुए यहाँ पर तो मतलब उमस सी हो जाती थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। ओके। तो फिर हमने ये बात भी कमेटी मेंबर्स के पास पहुँचाई थी, तो उन्होंने इस बात का सोल्यूशन ये किया कि हमारे जो लाइब्रेरी में है एसी की सुविधा करवा दी थी। ओके। और जो और भी कोई दिक्कत आती थी तो हम कमेटी मेंबर्स के पास पहुंचा देते थे। जैसे हमारे पास कई बुक्स की कमी थी, तो वो बातें हमने कमेटी मेंबर्स के पास पहुंचाई, तो बुक्स की सुविधा भी हमारे पास काफ़ी सारी किताबें तो हमें जैसे आम तौर पर जो आई हैं साइंस से संबंधित किताबें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो बहुत बाहर के साथियों ने भी हमें कंट्रीब्यूट किया है उसमें किताबों में, वो तो है अपने पास। और जो कोई और कमी रहती है तो वो आप लोगों को अवेल करवा दी जाती है, जिसकी जिस किताब की भी आपको जरूरत पड़ती है। ओके। ये तो थी जो हमने कमेटी के पास जो प्रॉब्लम पहुंचाई थी वो। और अब बात आती है हमने किस तरह हम मतलब आप हाँ, कैसे मैनेज करते हो, जैसे साफ सफाई से संबंधित है, या पानी की व्यवस्था है, या लाइट का कोई इशू बन जाता हो, वाईफाई का कोई इशू हो जाता हो कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हो आप लोग? पहले आती है सफाई की बात। सफाई की बात में ये है कि हम जो रेगुलर आते हैं ना जो बच्चे, उनकी ड्यूटी लगाई गई है हर एक दिन, मतलब दो हफ्ते में एक दिन एक बच्चे की बारी आ जाती है। ओके। सफाई डेली की जाती है, डेली सफाई करते हैं। हाँ। तो मतलब दो बच्चे हर मतलब दिन, मतलब नेक्स्ट डे अगले दो बच्चों की, फिर अगले दो बच्चों, ऐसे हाँ। इस तरह से सफाई। हाँ। ओके। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कई बार, जैसे कई बार ऐसा होता कि बच्चे घर में तो बड़ा घर के भी काम नहीं करते प्रॉपर तरीके से, और जब यहाँ आके अगर उनको बोला जाए तो थोड़ा सा कहीं ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी यहाँ तो सब एक इक्वल काम करते हैं। मतलब जो कोई घर पे भी काम करता है ना। हाँ। वो अच्छे से सफाई करेगा, और जिसने करके ही देखा वो भी अच्छे से सफाई करेगा। इसका मतलब एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उन बच्चों के लिए भी, चाहे घर का बेशक ना करे, लेकिन यहाँ आके जरूर वो मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब वो सीख गया सफाई। गुड गुड। ओके। और ऐसे ही मतलब पानी की भी सुविधा है, पानी दो कैंपर लगवा रखे हैं, दो कैंपरों को मतलब हमारे आस पड़ोस से मतलब उन्होंने कह रखा है कि हम हमारे यहाँ से। अच्छा, ये आप अपना आपकी मतलब पूरा फुल सपोर्ट रखते हैं आपके आस-पड़ोस से? अच्छा सहयोग करते हैं। बाथरूम में जो पानी की दिक्कत होती है ना, पानी की टंकी ऊपर जो रखी हुई है, टंकी रखी है उस में मोटर के थ्रू आस-पड़ोस से वाटर पंप से वो पानी की आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके ओके। और बस बाकी एक वाईफाई की दिक्कत हो गई थी एक बार, जो मतलब एक बार
नेट वगैरह का इशू हो गया था, सारे के सारे आस पड़ोस के। अच्छा, ये भी एक बार जैसे वो हुआ था कोई आंदोलन से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित, उस टाइम शायद नेट बंद कर दिया गया था, उस टाइम ये दिक्कत आई होगी, तो फिर उसका क्या समाधान किया? उस टाइम तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी कि भाई हम यहाँ वाईफाई से जोड़ लें, नेट से कनेक्ट कर लें अपने आप को इसके वाईफाई से। अभी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था फोन के थ्रू ही, मतलब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते थे उनको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर देते थे। मतलब आप जो इस में भी आप टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा बहुत यूज करके कर लेते थे इसको हैंडल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब ये था कि कोई ज्यादा नेट यूज कर रहा है, फिल्म वगैरह देख रहा है, उसका पता ही लग जाता था। अच्छा, ये तो नहीं होता कई बार, जैसे ये होता भी जैसे शहर की लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ तो कुछ ज्यादा सीख रहा है या ज्यादा लोगों के संपर्क में आके उसको ज्यादा बातों का पता चल जाता है। और यहाँ ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुएं के मेंढक बन के रह जाए कि मतलब यहाँ तो हमारे पास जैसा तैसा आपस में ही हम कर लेते हैं, कोई और ज्यादा सी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, ऐसा तो नहीं होता। वो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, बल्कि ज्यादा बेटर रहता है गाँव के, गाँव में मतलब खाना भी अच्छा मिल जाता, घर पे जाके जल्दी अपना यहाँ पे पहुंच जाते, किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं। हम जैसे मंदीप को भैंस पिलाने की समस्या रहती है तो ये अपना निपटा लेता हुआ काम भी अच्छे से। गुड गुड, बहुत बढ़िया है ये। देखो अगर यही होता है काम से काम निकले तो बहुत अच्छी बात है। अब नरवाना से स्पेशली भैंस पिला के वापस तो नहीं जा जाता, लेकिन यहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम किया जाता। और कोई बच्चा कोई बाहर से भी आते हैं? कितने बच्चे बाहर से आते हैं? बाहर से 4-5 बच्चे आते हैं। 4-5 बच्चे आते हैं। आज कितने बैठे हैं यहाँ पर? आज बाकी तो चले गए सारे, जा चुके हैं, टाइम ज्यादा हो गया ना। ओके, जल्दी निकल जाते हैं ना, इनको घर पे भी काम होता है। तो एक बार मैंने मैसेज तो स्पेशली डाला था, मैं बेटा अगर एक बार रुके आप लोग, आज आप लोगों से हम एक बार संवाद जरूर करेंगे। चलो कोई नहीं, कोई है बैठा है बाहर से अभी कोई बच्चा? 2-3 बच्चे हो गए, एक तो ये। हाँ दो बेटे, माइक दो इनको। हाँ माइक थोड़ा सा हाँ ऊपर कर लिए बेटा। क्या नाम है बेटे आपका, कहाँ से आते हो? थोड़ा सा माइक और ऊपर कर लो आप। हाँ, झील से। क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पर? आर्मी की। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ? 2-3 महीने से आ रहे हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? ओके, तैयारी ठीक हो जाती है। और आपस में सहयोग कैसा रहता है आपस में? कोई किसी प्रकार की समस्या आई हो? ओके ओके, थैंक यू। कोई और बच्चा बाहर से पहले बच्चे, क्योंकि आपने जाना होगा तो एक बार हम चाहते हैं कि आपसे हमारा। हाँ दो बेटे, इसको दो माइक, दो बच्चे को। हाँ सुशील, इनको। क्या नाम बेटे आपका? सर मेरा नाम हरिंदर। हरिंदर, कहाँ से आते हो? सुरबरा से। कब से आ रहे हो बेटे आप यहाँ? 2 महीने। 2 महीने हो गए। ओके, तो क्या तैयारी कर रहे हो आप? HSC के। तो एग्जाम हुए अभी, आगे होंगे? हरियाणा पुलिस का दिया है। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया नहीं हुआ। ओके, कोई नहीं बच्चे, और बहुत सारे अपने एग्जाम आने हैं, बस लगे रहिए आप लोग मेहनत में, और ये मत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो बिल्कुल 3-4-5 अटैम्प्ट के बाद जाके उनका एक सेटअप हुआ और बहुत अच्छे से आगे बढ़े, मतलब शानदार तरीके से आगे तैयारी की। तो कैसा फील किया आपने यहाँ? बढ़िया। अच्छा फील किया? सब बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, हेल्प भी कर देते हैं। अच्छा, तो किस टाइम आते हो आप यहाँ? सुबह 9 बजे आते हो, और कब जाते हो? 2:30 बजे का। आ तो रिक्वेस्ट पे रुके हुए आप, मतलब कि हमें तो नियर अबाउट अभी 5:10 हुए हैं, सामने अपने घड़ी भी है, दीवार घड़ी। तो फिर कैसा, ठीक है माहौल यहाँ? ठीक है। तो खाना साथ में लेके आते हो या नहीं? जी, घर पे जाके खाते हो। ओके, तो फिर जैसे अब अगला नेक्स्ट पेपर कब का आपका? नेक्स्ट पेपर GD का होगा। अच्छा, वो अप्लाई किए हुए हैं आप, तो तैयारी ठीक चल रही है? ओके, तो कोई आप कोई सुझाव देना चाहें बच्चे लाइब्रेरी के लिए? लाइब्रेरी सर बहुत ही बढ़िया, कोई मतलब ऐसा को लगता जिसमें हम सुधार कर सकते हो? जिसमें नहीं सर, सब फैसिलिटी है, सभी फैसिलिटी ठीक ठाक है। हाँ। अच्छे से वाईफाई की स्पीड ठीक रहती है? सही है। कई बार ये भी इशू बन जाता है कि सर वाईफाई की स्पीड कम है, तो उसका प्रॉपर क्या समाधान होता है अगर कई बार ऐसी दिक्कत आती है तो? और वो इशू क्यों आता है कोई बताए तो? वो इशू जी लास्ट में आता है, तो ज़्यादा यूसेज बढ़ जाते हैं या डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है यूज? ओके ओके, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई बच्चा जो बात करना चाहे? मंदीप,
मनदीप, इस लाइब्रेरी का शुरू से ही, जब से लाइब्रेरी खुली है तब से यहाँ रेगुलर स्टूडेंट रहा है। ऑलमोस्ट एक साल हो गया है मनदीप को यहाँ, तो बहुत बेहतर तरीके से ये यहाँ के पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में, लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं। और ये उन मेंबर्स में से है टीम के जो लीड कर रहे हैं पूरे इस लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को। तो मनदीप, कैसा फील कर रहे हो आप, एक साल हो गया है? एक साल में बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ओके। और आपने जैसे कहा बाहर का माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, पूरा ध्यान रखते हैं आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखते हैं। अच्छा, हमारी छोटी गलती को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर छोटी छोटी गलतियाँ निकल के आएंगे उसका सामने, आपके सामने मिरर काम कर रहे हैं। यस सर, एक मिरर की तरह से। ओके ओके। और इनका तो बहुत योगदान है सर, जैसे कभी पानी की समस्या हो तो ये पहले ही कह देते हैं कैंप पर रख जाओ, हम भर देंगे। अच्छा। टंकी की पानी को, बाथरूम वाली टंकी की जो कोई समस्या है, पहले तो हम खुद भरते थे। हाँ हाँ। और अब हमारे को देखते हुए कि बच्चों का टाइम खराब हो रहा है, अब वो पानी टंकी खुद भरते। हाँ, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों की, जैसे आप जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला भी उससे अच्छा ही व्यवहार करेगा। अगर हमारे व्यवहार में कहीं कोई कमी है ना, तो फिर सामने से व्यवहार में भी आपको ये लगेगा कि वो भी आपसे थोड़ा सा किनारा करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका व्यवहार उत्तम है तो वो आपसे एक कदम आगे बढ़ के आपका सहयोग करेगा। और इस बात को बिल्कुल आपको उम्र भर याद रखना चाहिए कि अगर आपने किसी से सहयोग लेना है तो आपका व्यवहार उसमें उत्तम होना चाहिए। हाँ, और कोई बात? और तो सर क्या था बात, ने कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए। सारा एक्सप्लेन कर दिया। कोई ऐसी घटना हुई है कभी कि किसी बच्चे का कोई, जैसे मान ले पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कोई अचानक मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो या यूट्यूब या फेसबुक चलाते हुए पकड़ा गया, और नाम तो था मान लिया उसका कुछ काम टॉपिक से रिलेटेड करने का, लेकिन ऐसे कुछ तरीके से कुछ वीडियोस देखते हुए कोई पकड़ा गया हो फेसबुक चलाते हुए, ऐसे? ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसे हुआ है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन खोल लिया। हाँ। यूट्यूब पे वो चाहते तो पढ़ना। हाँ। यूट्यूब पे सामने पर कुछ और ही वीडियो आ जाती है। और वीडियो आ जाती है तो फिर उसे देखने के चक्कर में, जैसे इंस्टाग्राम पे आती कुछ वीडियो, ऐसे ही कुछ वीडियो यूट्यूब पर भी आ जाती है। तो उसका क्या समाधान करते हैं फिर, क्या उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये सर, उसकी एक या तो उसे कह देते हैं, अगर नहीं माने तो उसे फिर वाईफाई से ब्लॉक कर दिया जाता है। और फोन को भी तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है, फोन भी जब्त हो जाए। कई बार एक दो बच्चे का फोन भी खोज लिया गया है। जब्त कर लिया गया। दो तीन दिन ओके, दो तीन दिन के लिए उसका फोन भी खोज लिया गया। जी जी जी। एक बार तो ऐसा ही हुआ, घर पे ही पहुंच गया जी एक जना फोन लेने के लिए। अच्छा, वाया क्या आज है? और कोई बच्चा बोलना चाहे, लक्ष्य कोई कैसा लगता है बेटे, कब कहाँ किस टाइम आते हो पढ़ने के लिए, कब तक पढ़ते हो आप यहाँ? सर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं यहाँ पर 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। 4-5 घंटे लगा देते हो पढ़ने के लिए, किस टाइम आते हो? सर मैं 3 बजे आता हूँ। 3 बजे आके, और जाते कब हो? 7-8 बजे। 7-8 बजे आते हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है जो आपके बड़े हैं यहाँ पर जो पूरा सहयोग करते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई किसी शिकायत में आ गए हो आप? हुआ ऐसा? कैसा, क्या हुआ? सर कई बार यहाँ पर बैग रख के खेलने जाते हैं थोड़े टाइम। अच्छा, यहाँ बैग रख के और खेलने चले जाते थे? घर पे बता तो रखा था सर, ऐसे हम वहाँ पे 1 घंटा खेल के आएंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ एक दिन पकड़े गए आप लोग? यस सर। अच्छा, तो उसके बाद तो नहीं फिर शिकायत आई कोई? ओके, तो अच्छा लगता है मतलब। तो बड़ों से कुछ सीखने को भी मिलता है जो आपके साथ बड़े हैं? बहुत सीखने को मिलता है सर। अच्छा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है उस टाइप का आप मतलब डिस्कस कर लेते हैं? गुड, बहुत अच्छे। आप तो इस गांव के नई जनरेशन हो बच्चों, आपको तो सिखाना, और आप तो जितने ज़्यादा संपर्क में आओगे ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो आप लोगों को तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा एज में है और उनका तो लगभग वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर चले गए हैं, मतलब भगवान से यही प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ही वो बच्चे उस लाइन में आए, और नज़दीक है बिल्कुल उनकी सफलता। तो लेकिन आप लोगों को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है और आप ज़्यादा सीख सकते हो इनसे। और कोई बच्चा? चेतन कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एसडी मॉडल में पढ़ते हो? Yes, sir. तो लाइब्रेरी में कितना टाइम लगाते हो? सर 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे शाम को आते हो? Yes, sir. तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। Yes.
अच्छा, आपके जो सीनियर्स हैं यहाँ पर उनसे भी कुछ हेल्प मिलती है? यस सर। अच्छा, किस टाइप की हेल्प? वो समझा देती है, समझ नहीं आता हमारे। मैथ्स की या साइंस की कोई प्रॉब्लम है या इंग्लिश का कोई इशू, बता देते हैं आपस में। यस सर। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई पढ़ने के तरीके में कोई गड़बड़ हो और वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करो तो उसको? यस सर। अच्छा, उसका मतलब पूरी हेल्प मिलती है। हिमांशु, आपने कब से आना शुरू किया बेटे लाइब्रेरी? काफ़ी टाइम हो गया। ठीक पढ़ते हो? कोई शिकायत का मौका तो नहीं आया कभी? लाइब्रेरी से रिलेटेड तो नहीं आया, वैसे आया है कोई? तो उस पर फिर क्या आपने अमल किया? आगे से शिकायत आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी आगे से। चलो बेटे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ना ही असली मतलब मेन बात होती है। और कोई बच्चा बोलना चाहता हो? कमलदीप, कमलदीप को दे। कमलदीप इस लाइब्रेरी के सीनियर मोस्ट साथियों में से हैं और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को, पूरी लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट है उसमें इनका बहुत अहम योगदान है। 8-10 जो बच्चों की, ये बार बार हम टीम की बात कर रहे थे तो उसी टीम का हिस्सा है ये, और मतलब अहम हिस्सा है। तो कमलदीप, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का? नमस्कार सर, सबसे पहले बटनपुर की एजुकेशन प्रमोट कमेटी टीम है, उसका हम पूरे लाइब्रेरी के बच्चों की तरफ से धन्यवाद करने के लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल से ये लाइब्रेरी चल रही है और उस टाइम में जब सरकार की तरफ से कोरोना काल में ऐसे इंस्ट्रक्शन थी, इतनी कठोर इंस्ट्रक्शन दी रही थी कि बच्चों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था और वो शहर में तैयारी करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल कार्य था। उस टाइम सभी इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। ओके। और उस दौरान गांव में लाइब्रेरी की मतलब नींव रखी तो बच्चों में देखिए, तो मैं तो जो एजुकेशन प्रमोटर कमेटी तो देखो एक जरिया है कोई काम स्टार्ट करने का, लेकिन सबसे अहम योगदान तो देखो पूरे गांव का है। उसके सामने भी उन्होंने जब बातें रखी तो एकदम से उन्होंने मतलब बगैर किसी झिझक के सहयोग करने के लिए तैयार हो गए और उसी का नतीजा है कि आज हम इस जगह पर बैठे हैं। तो ये तो पूरे गाँव का विशेष तौर पर धन्यवाद हम सभी की तरफ से। हाँ, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा मतलब उस टाइम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। इसका फायदा तो सर देखो लाइब्रेरी के जो बच्चे हैं उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसी किसी वो दर्शा रहे हैं कि कितना फायदा है, क्योंकि कोरोना काल का भी सर बहुत इफेक्ट रहा है। हाँ, शिक्षा सबसे ज्यादा जो भारी जो नुकसान हुआ वो शिक्षा को ही हुआ है। बच्चे मतलब स्कूल में स्कूलिंग उनकी बंद हो गई थी, घर पे भी ऐसे ही स्थिति रहती, माहौल इतना अच्छा नहीं रहता था, तो बड़ा दिक्कत रही है। बिल्कुल सही बात है। हम मानते हैं कि हमारे लिए कोरोना काल अच्छा रहा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जन्म। अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद ये इतना जल्दी ये प्लेटफॉर्म तैयार ना होता। ओके ओके। और लाइब्रेरी में बच्चों का रूटीन है सर, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग उनका स्टैंडर्ड है, छोटे बच्चे भी हैं, 8वीं 9वीं कक्षा के, 10वीं के, 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे बैठे रहे। ओके, तो बड़ा अच्छा मतलब एक पूरी तरह से एक कॉम्बिनेशन है लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक का। 24 घंटे सर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला है कि किस प्रकार से दिन रात वो यहाँ बैठे। अच्छा, रात को भी पढ़ते हैं बच्चे? हाँ सर, रात को भी बैठे। कितने टाइम तक पढ़ते हैं? रात को सर 11 बजे तक तो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, एक दो बच्चा है जो 2-3 बजे तक भी मतलब या पूरी रात भी पढ़ता है। अच्छा, हाँ एक बार ध्यान आ रहा है किसी साथी ने जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए यहाँ पर उन्होंने चेक किया, रात को 2-2:30 बजे के आसपास की बात होगी शायद, ये देखा कि 4-5 बच्चे बैठे वहाँ पर, भारत भी था शायद उस टाइम, तो उनसे बाहर से पूछा भाई ये कौन है, बोला सर ये बाहर से आते हैं, वो आई थिंक अपने गाँव के भी नहीं थे, वो डोहना खेड़ा के थे, उसके गांव से आते थे, वो रात को स्टडी करते थे। अच्छा, वो रात को ही आते थे पढ़ने के लिए? हां जी, रात को, दिन में सोते थे। ओके। आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो। वेरी गुड। जितनी कंसंट्रेशन रात को थी वो दिन में नहीं बनता। गुड, वो तो बहुत अच्छी बात। साइलेंट हो जाता उस टाइम। मतलब वो साथी ने जब डिस्कस किया इस बात को, रखा उसमें कमेटी में, तो सभी लोग हैरान रह गए इस बात से कि कमाल है, मतलब रात को पूरी रात रात बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर। सामाजिक लेवल पर सर ये हम सभी को पता है, सभी के घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि वो बच्चा अकेला बैठ के या एकांत में बैठ के स्टडी करे, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लिया पढ़ने बैठता भी है तो आस पड़ोस से कभी छोटा कोई बच्चा आ गया, कोई रिलेटिव आ गया या कोई और काम बोल दिया करके, तो वो मतलब रेगुलरिटी नहीं रखता। ओके।
और पर्सनैलिटी में भी एक डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है आई थिंक एक प्लेटफॉर्म पे जब आप बैठे तो यहाँ बहुत अच्छे से हो सकती है वो, क्योंकि अलग अलग तरह के विचारधारा के बच्चे यहाँ मिलते हैं आपस में, कई बार टकराव भी होता होगा, फिर आपस में एडजस्टमेंट भी होती है कि मतलब रहना तो यही है, पढ़ना तो यही है, तो कई बार हम एडजस्ट भी कर लेते हैं और करना भी चाहिए, तो लाइफ का मेन पार्ट होता है। तो ग्रुप में बैठ के पढ़ना भी सर एक अलग बात है, क्योंकि और मतलब उनके अनुसार कई एक्टिविटी, मतलब छोटे बड़े की अलग अलग की अलग अलग एक्टिविटी वो करते हैं, लेकिन उनके अनुसार उनके लिए बहुत ही एक विशेष बात बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे क्विज का आप करवाते हो तो क्विज का मुझे लगता है बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, कई बार जब से साइड वाला रूम तैयार हुआ है तो संडे को क्विज का बहुत ही इफेक्ट पड़ा है बच्चों के, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट है उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ऐसा कोई मतलब बच्चे के मन में ये रहता ही नहीं है कि भाई मतलब एक टीम है, अगर मैं नहीं तैयारी करूँगा तो साथ खड़ा कर ओके, उसी दिन टीम बनाई जाती है, मतलब भाई पत्ती डाल के कि भाई ये टीम में ये मेंबर हैं, तो उसके कारण सभी बच्चे तैयारी करके आते हैं, उनको पता है कि भाई अगर दूसरा नहीं करके आया तो मेरी टीम भी पीछे रह जाएगी। ओके। तो जैसे अभी टेस्ट हुए हैं, हरियाणा कॉन्स्टेबल का टेस्ट हुआ है, पीछे एसआई का टेस्ट हुआ था, या आगे भी होने वाले हैं, जैसे ग्राम सचिव का है या और कंपटीशन टेस्ट आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, तो क्या मतलब जैसे कोई बेनिफिट लगता है कुछ की, जैसे आपने कुछ क्विज वगैरह करवाए तो उससे कोई इसका बेनिफिट तो सर देखो देखते ही बनता है, एक तो हमारे साथी अनिल है वो आया नहीं है लाइब्रेरी में, ओके, वो फाइनल लिस्ट में रह गया एसआई के। अच्छा, मतलब बिल्कुल किनारे पे जाके मतलब नजदीक पहुंच गया था, बस सिलेक्शन से रह गया। ओके ओके। से पॉइंटों से रहा। अच्छा अच्छा। अब इसका सर कांस्टेबल का ये आंसर की आई है, इसमें भी कई बच्चों के अच्छे मार्क्स बने हैं, 6-7 का सिलेक्शन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी होगा। अच्छा, उम्मीद है कि 6-7 बच्चे शायद पेपर निकाल दें, तो बहुत बड़ी बात है। 60 क्वेश्चन लगभग ठीक है कई बच्चों। देखो भाई, अभी 2-3 दिन पहले IAS आए हुए थे अशोक कुमार गर्ग जी, कमिश्नर नगर निगम हिसार के, तो वहाँ लड़कियों और लड़कों पर बात चली, तो लड़कियों के बारे में बहुत बोला सर ने, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, और मुझे लास्ट में ऐसा लगा, डर सा लगा कि लड़के कहीं मेरी हमारी तरफ ऐसा ना देखें कि भाई हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो स्पेशली मैंने वहाँ भी ये बात मेंशन की थी कि सर आने वाले समय में वाइज लाइब्रेरी में से शानदार रिजल्ट निकलने वाले हैं, तो लगता है उसकी हल्की हल्की सी झलक दिख रही है अगर आप जैसे बता रहे हो तो। सर हम भी थे। अच्छा अच्छा। तो वो केवल मतलब लड़कों को टारगेट करके ही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। लड़कियां तो पढ़ती हैं और लड़के आजकल पढ़ते नहीं। ओके ओके। तो हमारे भी वो बात उस दिन खटक गई थी, मतलब सिलेक्शन देने के बाद ही ये बात करें। ओके जी जी, ये सर के पास हम संदेश भी भिजवाएंगे, भाई हमारे बच्चे जो लड़के हैं वो वास्तव में कम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कोई और बच्चा बोलना चाहता हो बेटा? सुशील, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। लाइब्रेरी का सर बहुत फायदा हुआ सर, क्विज का हमें सर काफी फायदा मिला सर, जैसे सर करंट अफेयर सब्जेक्ट है सर, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है सर, पढ़ते नहीं है इसको, लेकिन जो क्विज में सर मंथली रिवीजन होता रहा सर हमारा, और जो अब की बार कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें था ही करंट अफेयर्स, बड़ा करंट अफेयर्स बहुत था, हरियाणा जी के हटा दी इसमें से और इसके ऊपर फोकस रखा। ओके ओके, चलो ये तो कहते हैं ना, जितने ज़्यादा आप एफर्ट करोगे तो लक आपके साथ अपने आप साथ में आ जाएगा, मेहनत से ही आपका लक बनता है, नो डाउट। चलिए बहुत बढ़िया। विशाल कुछ बोलना चाहेगा? विशाल कैसे? विशाल तो कैसा फील करते हो लाइब्रेरी में? अच्छा फील करते हो? अपने साथियों से सहयोग मिलता है? अच्छा, छोटी मोटी शिकायत भी हो जाती कभी कभी? बहुत आई है। तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चे इसमें? इम्प्रूवमेंट कितना, सुधार कितना हुआ? बहुत हुआ। तो कभी ऐसा भी लगा कि मतलब मेरे ऊपर ही बार बार टारगेट होता है, मेरी शिकायत क्यों करते हैं? लगता था ठीक है, तो अभी भी लगता है या अब थोड़ा सा लगता है ना, मतलब जो होता है ठीक ही, मतलब ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी जो गलतियाँ होती होंगी उनको दूर कर लेना चाहिए? बाहर भी आप लोगों ने कभी किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है? कभी किसी क्विज में बाहर पार्टिसिपेट किया, अपनी लाइब्रेरी की तरफ से आपने कोई प्रतिनिधित्व किया हो? अच्छा,
ओके वेरी गुड। दो बच्चों की पोजीशन आई, तीन बच्चों की आई। तीन बच्चों की कौन कौन है वो? मंदीप, मनोज और एक और। मनदीप, मनोज और मनोज जो झील से आता लड़का झील से आ जाया क्या वो? सर वो नहीं था, और सोनू, सोमपाल और मनदीप थे। अच्छा सोनू, सोमपाल और मनदीप। मनदीप तो ये बैठा है और सोनू ये रहा, ये ना ये रहा, ये सोनू है ना। और सोमपाल आज कहीं बाहर गया हुआ है, सोमपाल नहीं आ पाया। सोम एजुकेशन प्रमोटर कमेटी टीम ने भी बटनपुर में भी, अच्छा यहाँ गांव में भी कोई क्विज करवाया गया था? कोई नामी क्विज करवाया था सर। ओके उसमें लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स का क्विज था, तो उसमें ओके ओके जितने बच्चे इस लाइब्रेरी में आते चाहे वो और अन्य गांव कहीं से भी हो, किसी भी गांव से हो, वो सभी उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। ओके तो गुड़िया फर्स्ट आई थी मनदीप के साथ, फर्स्ट आई थी तो वो आई थिंक SI में सिलेक्शन उसी का हुआ ना, शमी का। हाँ हाँ, और अब हमारा इसकी इनकी तरफ भी टारगेट है, मनदीप की तरफ भी, और उम्मीद है ये कांस्टेबल में तो जरूर मुझे लगता है भगवान सुनेगा, और देखते हैं आने वाले टाइम में जल्दी ही हमें रिजल्ट मिले। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपनी मेहनत बच्चों आप जारी रखें, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप सफलता हासिल करोगे। और जो रूटीन आपने बनाया है, और एक बात और मैं कहूँगा कि जो आप लोगों के साथ में बच्चे हैं, आपके संपर्क में हैं, आपकी क्लास में हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, जो बच्चा लगता है कि ये पढ़ने में भी ठीक है, माहौल इसका ठीक नहीं है, तो उसको आप मोटिवेट करें और उसको लाइब्रेरी की तरफ ज़रूर लेके आएँ। एक बार यहाँ आएगा तो आपके संपर्क में आएगा, तो फिर नहीं वो दूसरी ओर जाएगा। देखिए अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है, अगर उसकी 10 की संगत खराब है, 10 बच्चों की खराब संगत में है, तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर 20 बच्चे अच्छे हैं और उसमें एक मीडियम साइज ठीक ठाक सा बच्चा, थोड़ा सा गलत रास्ते पर गया हुआ बच्चा भी संपर्क में आ जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर उन 20 के साथ रह के सुधर जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है, इस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप आगे काम करते रहें। गलतियां तो होती हैं सर, लेकिन गलतियां से सीखना ही सबसे बेहतर है। हाँ, कोई और बच्चा बोलना चाहता हो? मोहित, मोहित भी लाइब्रेरी का रेगुलर स्टूडेंट रहा है, हालांकि शाम के टाइम पे वहाँ गर्ल्स लाइब्रेरी नजदीक पड़ती है, वहाँ रात को वहाँ टाइम लगाता है ये। और कैसा फील करते हो मोहित? बहुत अच्छा फील करते हो। घर से और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस नजर आता है? घर पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। घर पे जैसे डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, घर के तो ये थे सब कोई काम करना हो। अच्छा, तो फिर ये ऐसा तो नहीं काम से बचने के लिए आप लाइब्रेरी की तरफ आ जाते हो? घर के काम से बचने के लिए? अच्छा ठीक रहता है। कमलदीप भी मुझे दिखाई दे रहा था, कमलदीप बैठा है? कमलदीप, हाँ कमलदीप को देना एक बार। कैसे हो कमलदीप? तैयारी ठीक चल रही है? तो कैसा फील करते हो कमल? अच्छा फील करते हो? कभी ऐसा तो नहीं कोई शिकायत वगैरह में आए हो कभी? ये आई थिंक मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद तो नहीं कोई गलती हुई? ओके गुड, वेरी गुड, गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी बात है। सोनू भी हमारे साथ बैठा है, तो सोनू से भी हम एक दो प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी जो लाइब्रेरी की मैनेजमेंट टीम है उसका एक पार्ट है, और बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं यहाँ बच्चे, सीनियर बच्चे। सोनू कैसा फील करते हो? बहुत बढ़िया सर। तो कब से आप आ रहे हो यहाँ पर? सर एक साल हो गया। एक साल हो गया मेरे को आज ध्यान आई ये बात, सोनू की बात जब चली, हम कहीं बाहर से आ रहे थे और लाइब्रेरी खुली थी, तो हमने एक मैसेज करवाया था गाँव में कि जो बच्चा लाइब्रेरी में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो अपनी एक लिस्ट हमें दे, हमें नाम दे, भाई हम ये बच्चे हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एक दो दिन लेट हो गए, फिर एक दिन सोनू भागा भागा आया, मैं कहीं उधर खड़ा था चौराहे पे, तो बोला सर सर मेरा नाम ज़रूर लिख लीजिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने सभी गांव में जो भी साथी मेरे से मिलते हैं मैं इनका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि डैडी लगन। देखिए ये होती है कि मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए इतना इच्छुक भाग भाग के मतलब कोई आया है और वो कह रहा है, तो कैसा फील किया मेरा अपने एक साथ? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा आपके साथियों का सहयोग कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। अच्छा। टीम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है जी सर। अच्छा तो पढ़ने भी मजा आता है? जी सर सीनियरों के साथ। अच्छा कोई ऐसा नहीं होता कभी कोई आपको स्टडी मटेरियल की कमी पड़ जाती हो, या कुछ ऐसा लगता हो कि हम
बाकी कहीं बाहर बैठे पढ़ रहे हैं तो उनसे हम कहीं पिछड़ गए हैं यहाँ पर, कभी ऐसा फील हुआ हो? नहीं सर, इस लाइब्रेरी में कोई फील नहीं हुआ। अच्छा। कभी बुक की कमी हो सर, कमेटी उपलब्ध करवा दी। मतलब सिलेबस की कोई समस्या आई हो कभी, मतलब कहीं पता नहीं चलता हो या कुछ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया है और इसमें आई थिंक इतना तो हो जाता है कि सर बहुत इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर की पहुंच जाती होगी, भाई अब ये टेस्ट होगा या ये सिलेबस है, ये कम कर दिया, ये ज़्यादा हो गया है। जी सर, शुरू शुरू में दिक्कत आई थी, फिर हमारे से सीनियर से भी हेल्प मिलती थी। अच्छा, मिलती रही हेल्प। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। और एक हमारे बीच में हमारे इस लाइब्रेरी के एक और बड़े ही रेगुलर कस्टमर कहिए स्टूडेंट कहिए मिस्टर सुनील कुमार, तो आप अपने विचार भी जरूर साझा करें हमारे साथ। जी सर, कैसा फील करते हो सुनील? बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा, कब से आ रहे हो आप यहाँ? एक साल हो गया सर। लगभग एक साल हो गया। तो पहले कोचिंग वगैरह ली थी कहीं? यस सर, सर कोचिंग ली थी पहले। अच्छा, उसके बाद कोचिंग कंप्लीट हो गया आपकी? उसके बाद कोचिंग कंप्लीट हो गया। तो फिर पढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था तो ठीक पढ़ा जाता है यहाँ पर? जी, कोई इशू किसी प्रकार का नहीं सर, टाइम सही मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। अच्छा, जब लाइब्रेरी के काम आपस में बांट के ठीक कर लेते हो, या कभी कोई ऐसा होता है कि छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता हो या मन मोटा हो जाता हो? नहीं सर, ये तो नहीं होता। अच्छा, चलो। तो जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम दिया था वो कैसा हुआ? वो अच्छा हुआ सर, वो अच्छा हुआ। यस सर। चलो, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, उम्मीद है भगवान जल्दी ही आप लोगों को कामयाब करे, जो बच्चे कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक हैं और जो बच्चे कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शुरुआत की है उन्होंने संघर्ष करने की, तो उनका संघर्ष आप जारी रखें और आने वाले समय में भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को पाएँ, जो भी लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है। तो आपका यहाँ रहने पर, पेशेंसली सुनने पर और अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे कुछ ग्रामीण साथी यहाँ बैठे हैं और आज हम इनसे भी बात करेंगे कि जो ये जो लोग हैं यहाँ आसपास के, लाइब्रेरी के आसपास के ही लोग हैं जो विशेष तौर पर लाइब्रेरी का ध्यान भी रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, और कई बार अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसकी तुरंत सूचना भी दी जाती है। नमस्कार जी। हाँ जी, तो कैसा अनुभव रहा है आप लोगों का यहाँ, बच्चे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में? हाँ जी, पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक पढ़े हैं, बिल्कुल टाइम पे पढ़े हैं, रात को ही पढ़े हैं। अच्छा, कई बार कोई छोटी मोटी कोई शिकायत? ऐसी कोई शिकायत नहीं, वैसे तो बच्चे हैं आराम से रहें, जब बच्चे हैं इस करके शोर शराबा भी बहुत कम करे हैं, बहुत बढ़िया पढ़े। अच्छा जी, आप बताइए विक्रम जी, कोई क्या एक्सपीरियंस रहा है मतलब जब से लाइब्रेरी खुली है? बहुत अच्छा स्टेप है सर एजुकेशन को लेके, और बड़े सिंसियर बच्चे हैं, बड़ा स्टडी करते हैं अच्छे मन से। ओके, बहुत सिंसियरिटी है, बहुत पोलाइट हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं। ओके, और आई थिंक बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट स्टेप है ये कि बच्चों को आगे ले जाने का जी, बच्चों को आगे सक्सेस की तरफ वो करने का, मोटिवेट करने का, एंड आई थिंक वंडरफुल जॉब। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज हमारे गांव में हमारे हिसार के कमिश्नर श्री अशोक कुमार गर्ग जी आ रहे हैं 3 बजे, तो आप लोगों को मैं वहां के लिए भी इनवाइट करता हूं। पहले यहीं अपनी लाइब्रेरी में आएंगे, यहां विजिट करेंगे वो, उसके बाद फिर गर्ल्स लाइब्रेरी का विजिट करेंगे। तो अगर हमारी जो कॉमन कोई प्रॉब्लम है, उनको जो पहले लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने सुना है, तो केवल उसी के बेस पे वो हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं। श्योर सर। हाँ जी, वो 3 बजे आएंगे, तो आप सभी इन्वाइट करो। मेरे चाचा जी बैठे हैं यहाँ पर, बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने मकान है। और चाचा जी, कैसा लगता है, हम बच्चों की कोई शिकायत वगैरह कुछ आती हो? ठीक पढ़ते हैं, और बच्चे आप लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत हमारा सहयोग करते हैं, आसपास के जो हमारे जितने भी गांव में जो घर हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत सहयोग करते हैं हमारा। पानी की सुविधा की बात हो या कोई और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ कर हमारा मतलब सहयोग करते हैं। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक रहता है या कभी कभार छोटी मोटी गड़बड़ कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो आप लोगों के भरोसे है, हमें ऐसा लगा कि पहले कैमरे लगाए थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कैमरों की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो बाहर की जो आंखें हैं बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी,
जी आप लोगों के भरोसे ही है, क्योंकि ये लाइव ये कैमरा कोई ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आप लोगों का जो यहाँ पर सहयोग है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जी 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 आप क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, बहुत बढ़िया है जी, बच्चे पढ़ाई और आगे चल रहे हैं जी, और ये कोई हाँ बोल देते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इतना बस बस इतना अगर आप करते रहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लंबा चलेगा। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है अभी आने वाले जो अपने रिजल्ट आएंगे कुछ हरियाणा के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बच्चे कोई ना कोई रिजल्ट भी आप लोगों को निकाल के देंगे, क्योंकि इनको इनके अंदर भी एक मन में ये है बच्चों की मतलब अगर हमारे कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे तो हमारा जो प्यार है लोगों का हमारे प्रति या जो सहयोग है वो और बढ़ेगा, उसकी भावना और बढ़ेगी। उम्मीद है हमको भी जी जी आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन। जी 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 तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद है आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे हमारे इस लाइब्रेरी के साथ, गांव की लाइब्रेरी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।